अब हम लोग थोड़ा सा सेकेंडरी मेमोरी के बारे में देखेंगे। तो पहले मैं आपको हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके बाद कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो बहुत ज्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं ये सब कुछ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में अच्छे से समझाऊंगा, बट स्टिल मैं थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूँ। ठीक है, देखो हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है। हार्ड डिस्क में हमारे पास मल्टीपल डिस्क होती है। ठीक है, तो वी हैव मल्टीपल डिस्क, और ये मल्टीपल डिस्क रोटेट करती हैं स्पिंडल पे। ठीक है, दीज मल्टीपल डिस्क रोटेट एट ऑन स्पिंडल। जैसे ये स्पिंडल मान लो, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल डिस्क अटैच है, तो स्पिंडल मूव करेगा, तो स्पिंडल मूव जैसे ये रोटेट करेगा स्पिंडल, तो साथ साथ डिस्क भी रोटेट करेगी। ठीक है, तो यही हमारे पास होता है। तो स्पिंडल जैसे जैसे मूव करता जाएगा रोटेट करेगा, और उसके कारण से डिस्क भी रोटेट करेगी, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, ये रोटेट करेगा तो डिस्क भी रोटेट करेगी। अच्छा, उसके बाद फिर एक डिस्क आर्म होगी, जिसको हम लोग एक्चुएटर भी कहते हैं। दिस इज नोन एज डिस्क आर्म और एक्चुएटर। ओके, और एक्चुएटर, तो इसपे हमारे पास मल्टीपल रीड राइट हेड्स होते हैं। ठीक है, तो हर एक डिस्क के ऊपर हम लोग रीड राइट हेड ऐसे प्लेस कर सकते हैं। और अगर डुअल लेयर डिस्क होगी तो नीचे से भी लाइक दिस, नीचे से भी हम दिखा सकते हैं रीड राइट हेड। ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन डिस्क टू डिस्क। तो डिस्क के अंदर क्या होता है वो हम देखते हैं। इसको हम लोग डिस्क भी बोल सकते हैं या प्लेटर भी बोल सकते हैं, तो टेक्निकल नेम इसका प्लेटर होता है। तो इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग होती है, और जो न्यूक्लियस से जो डेटा होता है हमारा, वो जीरो या वन की फॉर्मेट में या बाइनरी फॉर्मेट में ही स्टोर होता है, और वो मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग पे ही स्टोर होता है। ठीक है, तो इसको स्टोर करने के लिए यू कैन से जो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है वो कंटिन्यूअस नहीं होता डिस्क के ऊपर, वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्मेट में होता है, लाइक दिस, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। तो ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हम बना रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैक। ठीक है, ट्रैक्स। तो एक एक कंसेंट्रिक सर्कल ट्रैक है। तो मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स विच आर नोन एज ट्रैक्स, और इसी पे हमारा डेटा स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ जीरो एंड वन। ठीक, ओके। अच्छा, हर एक ट्रैक को मैं ऐसे डिवाइड कर सकता हूं, जैसे हर एक ट्रैक लाइक दिस, दिस इज डिवाइडेड। तो ये एक छोटा सा जो पार्ट मैंने ट्रैक का दिखाया है, हम इसको बोल सकते हैं सेक्टर। ठीक है, तो सेक्टर क्या होता है, मिनिमम ट्रांसफर यूनिट फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। ठीक है, मिनिमम ट्रांसफर यूनिट मतलब वन सिंगल शॉट, या यू कैन से कि एक बार हमने रीड कमांड दिया हार्ड डिस्क के लिए, तो जो जितना डेटा हम लोग रीड करके आएंगे दैट इज वन सेक्टर। तो वन सेक्टर क्या हो सकता है, 512 बाइट्स हो सकता है या 1KB हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इम्प्लीमेंटेशन टू इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो याद रखना हमें मिनिमम ट्रांसफर यूनिट फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम इज वन सेक्टर। और ये सेक्टर क्या है, ट्रैक का छोटा सा पार्ट है। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद फिर अब देखो डेटाबेस वर्ल्ड में क्या होता है। एक्चुअली ये सब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखा रहा हूं। डेटाबेस वर्ल्ड में हम लोग सेक्टर की बजाय ब्लॉक टर्म यूज करते हैं। ठीक है, वी यूज द टर्म ब्लॉक। तो ब्लॉक क्या हो सकता है, या तो वन सेक्टर या फिर कलेक्शन ऑफ सेक्टर्स। ठीक है, वन सेक्टर और मल्टीपल सेक्टर्स आप कह सकते हैं। ठीक, तो ये हमारी मिनिमम ट्रांसफर यूनिट रहेगी फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। तो जब हम डेटाबेस वर्ल्ड की बात करेंगे उस केस में मिनिमम ट्रांसफर यूनिट क्या होगी, ब्लॉक ना कि सेक्टर। ठीक, और ब्लॉक क्या हो सकता है, वन सेक्टर और मल्टीपल सेक्टर। तो जब भी हम डीबीएमएस मतलब या यू कैन से डीबीएमएस वर्ल्ड में देखेंगे हम लोग, अगर रीड कमांड देंगे तो वन सिंगल शॉट में यू कैन से एक बारी में कितना डेटा हम लोग रीड करके आएंगे, वन ब्लॉक रीड करके आएंगे। ठीक, ओके। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ कुछ टर्म्स आते हैं, मैं वो टर्म्स आपको बताता हूं। देखो जैसे रीड राइट हेड हमारे पास है, तो उसको हमें अगर कुछ डेटा रीड करना है तो सबसे पहले हमें इसको करेक्ट ट्रैक पे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जैसे सपोज करो रीड राइट हेड हमारा इस ट्रैक पे है, तो हमें इसको मतलब आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। यू कैन से जो डिस्क आर्म है ये आगे या पीछे मूव करेगी ताकि हम लोग करेक्ट ट्रैक तक पहुंच सके, यू कैन से रीड राइट हेड को करेक्ट ट्रैक पे पोजिशन कर सके, और कुछ टाइम लगेगा उसमें। उस टाइम को हम लोग बोलते हैं सीक टाइम। ठीक है, दैट टाइम इज नोन एज सीक टाइम। मैं बहुत रफली बता रहा हूं क्योंकि मैंने ये सब डिटेल में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में दिखाना है। ठीक है, तो सीक टाइम का मतलब क्या है, टाइम नीडेड टू पोजिशन रीड राइट हेड ऑन करेक्ट ट्रैक। ठीक है, मैं एक बार बोल देता हूं, टाइम नीडेड टू पोजिशन रीड राइट हेड ऑन करेक्ट ट्रैक इज नोन एज सीक टाइम। ठीक, ओके। तो ये ऑब्वियसली
डिस्क रोटेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब कितनी स्पीड पे डिस्क रोटेट हो रही है उस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये डिपेंड करेगा कि जो हमारा डिस्क आर्म है वो कितनी जल्दी आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद फिर एक बार हम करेक्ट ट्रैक पे आ गए, जैसे सपोज करो इस ट्रैक पे हमारा डेटा था, हम इस करेक्ट ट्रैक पे आ चुके हैं। अब इस ट्रैक पे आने के बाद डिस्क रोटेट कर रही होगी, जैसे सपोज करो डेटा हमारा यहाँ है और रीड राइट हमारा यहाँ है, तो जब डिस्क रोटेट करके हमारे पास यू कैन से मतलब जब डिस्क रोटेट करेगी तो ही हम लोग करेक्ट सेक्टर पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो हमें कुछ टाइम लगेगा करेक्ट सेक्टर तक पहुंचने में, दैट इज नोन एज लेटेंसी टाइम। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंसी टाइम। तो लेटेंसी टाइम का मतलब क्या होगा, टाइम नीडेड टू पोजिशन रीड राइट हेड ऑन करेक्ट सेक्टर। ठीक है, ट्रैक तक पहुंचने का टाइम क्या है सीक टाइम, और सेक्टर तक पहुंचने का टाइम क्या है लेटेंसी टाइम। तो लेटेंसी टाइम ऑब्वियसली स्पीड पे डिपेंड करेगा, कितनी स्पीड से हमारी डिस्क रोटेट कर रही है। ठीक है, अगर जैसे आप समझ रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे हमारा रीड राइट हेड है फिलहाल, ऐसे समझ लो यहाँ रीड राइट हेड है बट सेक्टर जो हमें रीड करना है वो ये है, तो जब डिस्क रोटेट करके यहां तक पहुंचेगी तभी हम लोग रीड कर पाएंगे, ऐसे तो हम रीड नहीं कर पाएंगे। तो ये टाइम कितना लगा, दैट इज नोन एज लेटेंसी टाइम। ठीक है, तो करेक्ट ट्रैक तक पहुंचने का टाइम सीक टाइम, और करेक्ट सेक्टर तक पहुंचने का टाइम दैट इज लेटेंसी टाइम। तो अगर हमें यू कैन से डेटा रीड करना है तो टोटल टाइम हम कितना कहेंगे, ऑब्वियसली आप गेस कर पा रहे होंगे, सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमने एक किस्म से डेटा रीड कर लिया। ठीक, ओके। तो सीक टाइम और लेटेंसी टाइम का जो यू कैन से टॉपिक है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं गेट में, तो मैं दो चार न्यूमेरिकल आपको अभी कराऊंगा बट डिटेल तो मैं ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपको दिखाऊंगा। और एक बात ये भी शायद आपको गैस हो रही होगी कि डुअल लेयर का मतलब क्या है, कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो ट्रैक्स हमने बनाए हैं ये डिस्क के ऊपर वाले साइड पे भी है और नीचे वाले साइड पे भी है, अगर दोनों साइड पे होगी तो हम लोग बोलेंगे डुअल लेयर टेक्नोलॉजी हमने यूज करी है, और डिस्क पे मतलब तो दोनों तरफ से हमें रीड राइट हेड दिखाना पड़ेगा, ऊपर से भी और नीचे से भी। ठीक है, तो अगर सिंगल साइड होगा तो फिर हम सिर्फ एक तरफ रीड राइट हेड दिखा सकते हैं, अगर दोनों साइड होगा मतलब दोनों साइड हमने ट्रैक्स बना रखे हैं तो दोनों तरफ से हम रीड राइट हेड दिखाएंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी। ठीक, तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स पहले लिख लेता हूं फिर मैं उनको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, डिस्क कंटेन 100 ट्रैक्स एंड 500 सेक्टर्स, फाइंड एवरेज सीक टाइम एंड एवरेज लेटेंसी टाइम इफ डिस्क इज रोटेटिंग एट 3600 आरपीएम, आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट, and time needed by read write head to jump from one track to another is 6 milliseconds। ठीक है, तो देखो पहले तो हम average seek time निकालते हैं। average seek time actually इसमें थोड़ी सी controversy है, काफी जगह आपको अलग अलग मतलब formula मिलेंगे, तो कई जगह आपको formula मिलेगा 1/3 of the maximum seek time। ठीक है, average seek time is 1/3 of the maximum seek time, और कई जगह आपको फॉर्मूला मिलेगा हाफ ऑफ द मैक्सिमम सीक टाइम। ठीक है, तो मैक्सिमम सीक टाइम आप समझ पा रहे हैं, देखो 100 ट्रैक्स है ना हमारे पास, तो मैक्सिमम क्या होगा कि आप ट्रैक नंबर 1 पे खड़े हैं और आपको जाना है ट्रैक नंबर 100 तक, तो कितने ट्रैक्स आपको जंप करने पड़ेंगे, 99 आई थिंक आप अपने आप से गेस कर पा रहे होंगे, 1 to 100 अगर हमें जाना है तो हमें ट्रैक्स 99 ही जंप करने पड़ेंगे, तो 1/3 ऑफ द मैक्सिमम सीक टाइम आप निकाल दो, 1/3 ऑफ 99 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 to 100 के लिए हमें 99 ट्रैक्स जंप करने हैं, मल्टीप्लाइड बाय 6 मिलीसेकंड्स, क्योंकि एक ट्रैक से दूसरी ट्रैक पे जाने का टाइम हमने 6 मिलीसेकंड बोला है। ठीक है, तो 99 ट्रैक्स आपको जंप करने हैं और एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाने का टाइम 6 मिलीसेकंड्स है, तो 99 × 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, तो आप इसको मिलीसेकंड में ये आंसर आएगा, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा हमें ये कहेगा कि हाफ मान के चलो, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय 99 × 6 मिलीसेकंड्स। ठीक है, तो दोनों में से कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है, एक्चुअली ये मान के चलना दिस इज करेक्ट फॉर्मूला, दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, 1/3 वाला ज्यादा करेक्ट नहीं है, हाफ वाला ज्यादा मतलब यू कैन से एग्जैक्ट फॉर्मूला है। एक्चुअली ये आपकी कोर्ट की बुक में गिवन है कि वन हाफ हम लोग कैसे लेके आ रहे हैं, कि हम इस जैसे ऐसे समझो, जैसे देखो अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊं, जैसे ये हमारी डिस्क है, तो ये हमारा बताया था मैंने आपको डिस्क आर्म है, तो जब भी कोई कमांड आएगा रीड करने के लिए तो डिस्क आर्म स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगी ना, आगे पीछे होना उसको, तो स्टार्ट होने में भी टाइम लगेगा, स्टॉप होने में भी टाइम लगेगा, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो उन सब फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद हम एवरेज जब निकालेंगे
तो हाफ आता है हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस बात को कंसिडर ना करूं कि स्टार्ट करने में स्टॉप करने में कुछ टाइम लगेगा और कुछ फैक्टर्स को मैं यू कैन से इग्नोर करूं, तब 1/3 वाला आंसर आता है। तो इसलिए याद रखना, ज्यादा एग्जैक्ट आंसर तो हम ऐसे कैसे इग्नोर कर देंगे कि स्टार्ट होने में स्टॉप होने में कुछ टाइम भी लगेगा, तो इसलिए हाफ वाला ज्यादा बेटर ऑप्शन है। और एवरेज आपको आई थिंक समझ में भी आ रहा होगा कि इसका मतलब थोड़ा सा यू कैन से इनकरेक्ट प्रूफ अगर मैं आपको दूं, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि हम कैसे लेके आ रहे हैं। प्रूफ एग्जैक्ट तो नहीं दे सकता क्योंकि वो बहुत मैथमेटिकल है, तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि ट्रैक नंबर 1 पे आप खड़े हैं और 1 से 1 पे ही जा रहे हैं। मतलब यू कैन से कि पहला केस क्या होगा कि पहले ही ट्रैक पे आपको डेटा मिल गया और पहले ही ट्रैक पे खड़े हो, और दूसरा केस क्या होगा कि पहले ट्रैक पे खड़े हो लेकिन दूसरे ट्रैक पे जाके आपको डेटा मिला, तो मतलब आपको एक ट्रैक जंप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी 0 ट्रैक जंप करा, या फिर यहाँ पे आपको 1 ट्रैक जंप करा, या फिर आप पहले ट्रैक पे खड़े हो और 3rd ट्रैक पे जाके डेटा मिलता है एंड सो ऑन, या फिर पहले ट्रैक पे खड़े हो 100 ट्रैक पे जाके आपको डेटा मिलता है। ये टोटल कितने केसेस है देखो, 1, 2, 3 up to 100, दैट इज 100 केसेस, ठीक है। तो आप जब इन सबको ऐड करोगे तो हम क्या इसका क्या आंसर आएगा, ऐसे समझो 1 to 1 0 ट्रैक, 1 to 2 8 ट्रैक, 1 से 3 2 ट्रैक एंड सो ऑन अप टू 99 ट्रैक डिवाइडेड बाय 100। तो आप इसको कैलकुलेट करो, 1 to 99 का सम कितना आएगा, n into n+1/2 ना, क्योंकि सम ऑफ n नेचुरल नंबर होगा, तो n कितना है 99, तो n into n+1 मतलब 100 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, इट कम्स आउट टू बी 49.5। एग्जैक्ट वही आया जो यहाँ पे हम करेंगे, तो हम यहीं से देख पा रहे ना 99/2 आ रहा है, तो वही 99/2 हमारे पास यहाँ था, ठीक है। तो दैट इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम सीक टाइम, हम इस टाइप से सोच सकते हैं। ये एग्जैक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि आई थिंक अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको आंसर आएगा। मैंने यहाँ पे हमेशा कंसिडर कर लिया कि हम पहले ट्रैक पे ही खड़े हैं, लेकिन हम ऐसे तो नहीं हो सकता ना, हम 3rd ट्रैक पे भी हो सकते हैं, कई बार हम 50th ट्रैक पे भी खड़े हो सकते हैं। वैसे समझो 3rd ट्रैक पे खड़े हैं और पहले ट्रैक का डेटा है, मतलब पहले ट्रैक पे डेटा है और हम 3rd ट्रैक पे खड़े हैं, तो फिर हमें पीछे आना पड़ेगा। वो सब तो मैंने कंसिडर ही नहीं किया, मैंने तो सिंपली आगे आगे बढ़ता रहा, मतलब पहले ट्रैक पे खड़ा हूं तो हो सकता है कि पहले ट्रैक पे डेटा मिल गया, या फिर दूसरे ट्रैक पे मिला, या फिर तीसरे पे, या फिर चौथे पे, या फिर अप टू 100 मिला, ठीक है। तो इसलिए ये कोई एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है, बट स्टिल आपको थोड़ा सा याद रहे इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो बस आपको याद ये रखना है कि हाफ ऑफ द मैक्सिमम सीक टाइम होता है। थोड़ा और कंडेंस करूं मैं फॉर्मूले को, थोड़ा और मतलब सिंप्लीफाई करूं, तो मैं ऐसे कह सकता हूं हाफ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ट्रैक्स जितने भी होंगे, जैसे n ट्रैक्स होंगे, -1 कर देना, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम सीक टाइम यही होगा ना। अगर 1 to 100 जा रहे हैं, अगर हम मतलब यू कैन से 100 ट्रैक्स है हमारे पास, तो हम बोलेंगे कि 1 to 100 फर्स्ट ट्रैक पे आप खड़े हो, और मैक्सिमम सीक टाइम कैसे निकलेगा, फर्स्ट ट्रैक पे आप खड़े हो और आपको 100 ट्रैक पे जाना पड़ रहा है, तो 99 ट्रैक्स ही हमें जंप करने पड़ेंगे ना। तो वही मैंने इसलिए लिख दिया n-1 मल्टीप्लाइड बाय टाइम, जितना भी टाइम होगा जंप करने का, ठीक है। ये रफली हम फॉर्मूला ऐसे याद रख सकते हैं, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय n-1 वेयर n इज द नंबर ऑफ ट्रैक्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम टू जंप, जितना भी जंप करने का टाइम होगा। तो ये हमारे पास आएगा एवरेज सीक टाइम। अच्छा, एवरेज लेटेंसी टाइम कैसे निकलता है, ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी, हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन टाइम, ठीक है, हाफ रेवोल्यूशन टाइम। तो ए का मतलब आधी रेवोल्यूशन का टाइम हमारे पास एवरेज सीक टाइम होगा, सॉरी एवरेज लेटेंसी टाइम होगा। एवरेज लेटेंसी टाइम मैंने आपको क्या बताया था कि करेक्ट सेक्टर तक पहुंचना। अब एक रेवोल्यूशन अगर मैं कर लूंगा तो मेरे पास 500 सेक्टर होंगे ना, तो ऑन एन एवरेज हम रफली मान लेंगे कि 250 सेक्टर तक हमें जाना है, तो 250 सेक्टर तक जाना है। और अगर आप सेक्टर नंबर 1 पे खड़े हो तो ऑब्वियसली हाफ रेवोल्यूशन हमें करनी पड़ेगी। रफली मैं प्रूफ दे रहा हूं, वो ज्यादा एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है, तो ऐसे याद रखना हाफ रेवोल्यूशन टाइम इज योर एवरेज लेटेंसी टाइम, ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि जो 500 सेक्टर मैंने दिए बेसिकली ये गार्बेज डेटा है, हम तो सिर्फ आधी रेवोल्यूशन के टाइम से आंसर निकाल सकते थे, क्योंकि यही है ना हमारे पास आंसर, आधी रेवोल्यूशन का टाइम हम निकाल दो। तो कैसे निकालेंगे, 3600 आरपीएम है ना हमारी रोटेशन स्पीड, तो हम ऐसे कहेंगे, चलो यही लिखते हैं, 3600 रेवोल्यूशन, 3600 रेवोल्यूशन हम लोग 60 सेकंड्स में कर रहे हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट है ना, तो 60 सेकंड्स हो जाएगा, 3600 रेवोल्यूशन 60 सेकंड में हो रही है, तो हाफ रेवोल्यूशन कितनी देर में होगी, 60/3600 मल्टीप्लाइड बाय हाफ सेकंड, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो होगा हमारे पास एवरेज लेटेंसी टाइम, और एवरेज सीक टाइम हमने यहां पे निकाल दिया है, ठीक है।
तो आपको फॉर्मूला याद रखने हैं, एवरेज सीट टाइम का क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टाइम टू जंप फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर, और एवरेज लेटेंसी टाइम क्या होता है, हाफ इनटू और ये हाफ रेवोल्यूशन टाइम, ठीक है, वन बाय टू मल्टीप्लाई बाय रेवोल्यूशन टाइम, ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ट्रैक साइज इज 50 केबी, केबी मतलब बाइट्स, ठीक है, ये गिवन है, बाइट्स नहीं है, किलो बाइट्स, दिस रोटेशन स्पीड इज 3600 आरपीएम, फाइंड द ट्रांसफर रेट, ठीक है, तो ट्रांसफर रेट क्या होता है, वो डेफिनेशन मैंने लिखी है कि अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर्ड फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम इन वन सेकेंड, एक सेकेंड में हम लोग हार्ड डिस्क से रैम में कितना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज ट्रांसफर रेट, तो हमें वही ट्रांसफर रेट आपको निकाल के बताना है, ठीक है, ओके। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, ऐसे समझो 3600 रेवोल्यूशंस 60 सेकेंड्स में हो रही है, क्योंकि 3600 आरपीएम हमें गिवन था, तो एक रेवोल्यूशन कितनी देर में होगी, 60 डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड्स में हम कह सकते हैं। अच्छा, आप एक बात ये सोचो, एक रेवोल्यूशन में हम कितना डेटा ट्रांसफर कर लेंगे, वो ट्रैक साइज पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वन रेवोल्यूशन मतलब क्या, पूरा ट्रैक हमने घूम लिया, ठीक है, तो ट्रैक का साइज कितना गिवन है, 50 केबी, तो हम क्या बोलेंगे, 60 अपॉन 3600 सेकंड में 50 केबी डेटा मेरा ट्रांसफर हो जाता है, तो एक सेकंड में मेरे पास कितना डेटा ट्रांसफर होगा, 50 इंटू 3600 डिवाइडेड बाय 60, ओके, और ये क्या आएगा, किलोबाइट, ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं, ओके, तो ये सिंपली बस हमने मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं, तो फाइनली हम लोग जब देखेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 3000 केबी, ठीक है, पर सेकेंड ना, अगर हम ऐसे बोलेंगे तो 3000 केबी पर सेकेंड ये हम लोग ट्रांसफर कर सकेंगे, 3000 केबी को अप्रोक्सीमेटली मैं मेगाबाइट बोल देता हूं, तो 3 मेगाबाइट पर सेकेंड, 3 एमबाइट पर सेकेंड, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 3 MBPS, ठीक है, ये हमारा ट्रांसफर रेट होगा, ठीक है, ओके। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3, तो वही सेम डेटा मैंने लिया है, बस मैं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पूछ रहा हूँ कि ब्लॉक ट्रांसफर टाइम बताओ, अगर ब्लॉक साइज 1 KB का है तो, ठीक है, एकदम वही सब डेटा है हमारे पास, तो ब्लॉक ट्रांसफर टाइम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, वंस रीड राइट हेड इज प्लेस्ड एट बिगिनिंग ऑफ करेक्ट ब्लॉक, सम टाइम इज नीडेड टू ट्रांसफर डेटा ऑफ ब्लॉक फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम, दैट टाइम इज ब्लॉक ट्रांसफर टाइम, तो आप समझ रहे हो, देखो इसका क्या मतलब है कि हम रीड राइट हेड को, देखो पहले तो हम सीक टाइम लगाएंगे, सीक टाइम लगा के हम लोग करेक्ट ट्रैक तक पहुंचेंगे, करेक्ट ट्रैक पे पहुंचने के बाद फिर लेटेंसी टाइम लगेगा और हम लोग करेक्ट सेक्टर तक पहुंचेंगे, यहाँ पे हम लोग जैसे ब्लॉक बोलेंगे डेटाबेस वर्ल्ड में, तो ब्लॉक तक पहुंच गए, अब ब्लॉक तक पहुंचने के बाद अब ब्लॉक का डेटा जो भी होगा उसको हम हार्ड डिस्क से रैम में ट्रांसफर करेंगे ना, वो जो टाइम लगेगा, मतलब हम करेक्ट सेक्टर तक पहुंच चुके हैं या करेक्ट ब्लॉक तक पहुंच चुके हैं, पहुंचने के बाद हमें डेटा ट्रांसफर करना है हार्ड डिस्क से रैम में, ठीक है, मतलब एक ब्लॉक का डेटा हमें ट्रांसफर करना होगा फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम, कितना टाइम लगेगा वो ट्रांसफर करने में, दैट इज नोन एज ब्लॉक ट्रांसफर टाइम, समझ लो, ओके। तो हमें यहाँ पे सिंपल ब्लॉक ट्रांसफर टाइम आपको निकाल के दिखाना था, तो वो कुछ नहीं होगा, आप आई थिंक समझ पा रहे हो कि ट्रांसफर रेट हमें पता ही है, ट्रांसफर रेट मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया था 3 MBPS आया था, तो हम ऐसे बोलेंगे कि 3 MB डेटा एक सेकेंड में ट्रांसफर हो जाता है, या जिसको हमने अगर प्रॉपर लिखे तो 3000 KB डेटा एक सेकेंड में ट्रांसफर हो जाता है, और अब आपको ट्रांसफर कितना करना है, ब्लॉक का साइज कितना गिवन है, 1 KB, तो बहुत सिंपल है, 1 KB ट्रांसफर करने में कितनी देर लगेगी, 1/3000 सेकेंड, तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका, ब्लॉक ट्रांसफर टाइम का फॉर्मूला होगा ब्लॉक साइज डिवाइडेड बाय ट्रांसफर रेट, ठीक है, ब्लॉक साइज डिवाइडेड बाय ट्रांसफर रेट, दैट इज ब्लॉक ट्रांसफर टाइम, ठीक। अच्छा, तो ये डेफिनेशन याद रखना ब्लॉक ट्रांसफर टाइम की, मैंने क्या बताया आपको, रीड राइट हेड प्लेस हो चुका है, ठीक है, उसके बाद मतलब करेक्ट ब्लॉक पे प्लेस हो चुका है, उसके बाद जितना टाइम हमें ट्रांसफर करने में लगेगा, दैट इज ब्लॉक ट्रांसफर टाइम। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि फाइंड टाइम नीडेड टू फाइंड एंड ट्रांसफर ब्लॉक फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम, अगर मैं ऐसे पूछूं आपसे, टाइम नीडेड टू फाइंड एंड ट्रांसफर ब्लॉक फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम, ठीक है, मैं यहां लिखता हूं टाइम नीडेड
टू फाइंड एंड ट्रांसफर ब्लॉक फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। अगर मैं ऐसे पूछूं तो आई थिंक आप गेस कर पा रहे होंगे फाइंड करने में कितने लगेगी। फाइंड करने में हमें पहले तो करेक्ट ट्रैक पे जाना पड़ेगा, जिस भी ट्रैक पे होगा दैट इज एवरेज सीक टाइम, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करवाते हैं दैट इज एवरेज सीक टाइम लगेगा प्लस एवरेज लेटेंसी टाइम लगेगा ताकि हम लोग करेक्ट ब्लॉक तक पहुंच सके दैट इज एल, मैं ऐसे रिप्रेजेंट करा देता हूं, प्लस ब्लॉक ट्रांसफर टाइम, क्योंकि हम जब फाइंड कर लिया हमने उसके बाद हम उसको ट्रांसफर कर लेंगे, तो ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगेगा, ब्लॉक ट्रांसफर टाइम मतलब या ब्लॉक साइज डिवाइडेड बाय ट्रांसफर रेट। ठीक है, तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंड एंड ट्रांसफर ब्लॉक फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं लिख लेता हूं फिर मैं इस पे आपको करा देता हूं, फॉर्मूला आप याद रखना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ डिस्क कंटेन 200 ट्रैक्स विद ट्रैक साइज ऑफ 50 kb एंड रोटेटिंग एट स्पीड ऑफ 3600 rpm व्हाट इज द टाइम नीडेड टू फाइंड एंड ट्रांसफर वन ब्लॉक ऑफ साइज 1 kb फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। तो यहां पे मैंने वही क्वेश्चन आपको दिया, फाइंड एंड ट्रांसफर, तो पहले आपको ढूंढना पड़ेगा ब्लॉक कहां है और उसके बाद उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ढूंढने में कितना टाइम लगेगा वही बात आएगी, फाइंड करने में कितना टाइम लगेगा, एवरेज सीक टाइम, एवरेज सीक टाइम प्लस एवरेज लेटेंसी टाइम। ठीक है, आई थिंक आप गेस कर पा रहे होंगे, पहले हमें करेक्ट ट्रैक तक जाना पड़ेगा, ट्रैक तक आ जाएंगे उसके बाद फिर हमें करेक्ट ब्लॉक तक जाना पड़ेगा दैट इज लेटेंसी टाइम, या यू कैन से करेक्ट सेक्टर तक जाना पड़ेगा दैट इज लेटेंसी टाइम। तो एवरेज सीक टाइम प्लस एवरेज लेटेंसी टाइम दैट विल गिव मी टाइम टू फाइंड द ब्लॉक। ठीक है, ओके, तो ये कितना हो जाएगा, एवरेज सीक टाइम क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम सीक टाइम। तो मैक्सिमम सीक टाइम कितना होगा, 200 ट्रैक्स है हमारे पास, तो मैंने बताया था ना आपको माइनस वन कर दो तो 199 हो जाएगा। ठीक है, प्लस एवरेज लेटेंसी टाइम, एवरेज लेटेंसी टाइम क्या था, हाफ रेवोल्यूशन टाइम, तो हाफ रेवोल्यूशन टाइम में यहाँ पे जल्दी जल्दी निकाल देता हूँ, हाफ एक रेवोल्यूशन, देखो 3600 रेवोल्यूशन एक 60 सेकंड में हो रही है, ऐसे समझो 3600 रेवोल्यूशन 60 सेकंड में हो रही है, तो एक रेवोल्यूशन कितनी देर में होगी, 60/3600, तो आधी रेवोल्यूशन कितनी देर में होगी, मल्टीप्लाई बाय हाफ हो जाएगा, तो मैं सीधा इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 60/3600। ठीक है, दैट इज द फाइंडिंग टाइम। अच्छा, उसके बाद ट्रांसफर टाइम कितना होगा, मैंने आपको बताया था अभी फॉर्मूले के हिसाब से, ब्लॉक साइज, ब्लॉक साइज डिवाइडेड बाय ट्रांसफर रेट। ठीक है, तो ये वही डेटा है जो मैंने पहले लिया था, तो ब्लॉक साइज है 1 केबी का और ट्रांसफर रेट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले निकाल के दिखाया था 3000 केबी पर सेकंड आया था, तो ये फाइनली आंसर सेकंड में आ जाएगा, तो 1/3000 सेकंड, ठीक है, 1/3000 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो हम बस हम इन सब चीजों को हम ऐड कर देंगे, तो टोटल टाइम टू फाइंड एंड ट्रांसफर द ब्लॉक वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1/2 × 199 प्लस 1/2 × 60/3600 प्लस 1/3000। अच्छा, एक चीज मैंने शायद यहाँ पे आपको नहीं बताया कि एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाने का टाइम कितना है, तो आई थिंक ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा अधूरा है, हमें यहाँ पे आपको देना चाहिए था, तो जंप टाइम मैं इसको रफली बोल देता हूँ, जंप टाइम मतलब एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाने का टाइम हम मान लेते हैं 6 मिलीसेकंड्स है, तो ये जो हमने निकाला है 1/2 × 199 दैट इज इसको हम टोटल किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 मिलीसेकंड्स से। ठीक है, तो एवरेज सीक टाइम यहाँ पे भी हमें मल्टीप्लाई बाय 6 बोलना चाहिए था, क्योंकि एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाने के लिए, क्योंकि एवरेज समझ रहे हो ना, 200 ट्रैक्स हैं तो मैक्सिमम सीक टाइम 199 होगा, तो 1/2 × 199 दैट विल गिव मी एवरेज ट्रैक्स जितने हमें जाने पड़ेंगे, और एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जाने का टाइम कितना है, 6 मिलीसेकंड्स का है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 और डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा, तो सारा काम हमारा सेकंड्स में आ जाएगा, तो सारी कैलकुलेशन तो आप अपने आप से देख सकते हैं, उसमें मेरे को ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, तो ये चीज भी सेकंड्स में आएगी और ये चीज भी हमारे पास सेकंड्स में आएगी और 1/3000 भी सेकंड्स में है, आप इसको कैलकुलेट करके जो भी होगा आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं, तो मैं आपको सिंपल फार्मूला बता दूंगा, मतलब ज्यादा वैल्यूज लेके मैं टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा आपका, करेक्ट फार्मूला दे दूंगा आपको, तो फार्मूला लगाओगे करेक्ट एग्जाम में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम नीडेड टू ट्रांसफर के कंटिगुअस ब्लॉक्स ऑन सेम सिलेंडर इफ एस इज द सीक टाइम, एल इज द लेटेंसी टाइम एंड डी इज द ब्लॉक ट्रांसफर टाइम। तो सिलेंडर का मतलब क्या होता है, देखो शायद सिलेंडर का मतलब मैंने आपको नहीं बताया, सिलेंडर क्या होगा, जैसे ऐसे समझो मैंने बताया था ना हार्ड डिस्क के अंदर मल्टीपल डिस्क हैं, स्पिंडल है जिसपे वो रोटेट कर रही हैं और डिस्क आर्म है
है ना, और उसके पास मल्टीपल रीड राइट हेड हैं। तो ऐसे समझो, अगर मैं डिस्क आर्म को रोटेट नहीं करता, मैं यहीं पे उसको एकदम फिक्स रखता हूं, तो हम हर एक रीड राइट हेड से एक एक ट्रैक पढ़ लेंगे। जैसे इस डिस्क का भी ट्रैक पढ़ लूंगा, इसका भी, एंड सो ऑन। तो ऐसे समझो मल्टीपल ट्रैक्स हमने पढ़े हैं, और तो आप समझ रहे हो जैसे मल्टीपल सर्कल्स ऐसे ऐसे मैं बनाता जाऊं तो हमारे पास एक सिलेंडर वाली बात आ जाएगी ना। अगर हम इन्फाइनाइट सर्कल्स को जोड़ते चले जाए नीचे नीचे करके एक एक करके, तो एक सिलेंडर बन जाता है। तो वही चीज हम यहाँ कहना चाह रहे हैं, मतलब हम डिस्क आर्म को मूव नहीं कर रहे हैं, बिना मूव करे हर एक रीड राइट हेड एक एक ट्रैक पढ़ देगा, तो मैं टोटली क्या बनूंगा, एक सिलेंडर ऑफ डेटा पढ़ लिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, आपको माइंड में रखनी है। रीड राइट हेड को बिना मूव किए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा हम कितना पढ़ सकते हैं, वन सिलेंडर ऑफ डेटा। और वन सिलेंडर क्या होगा, हर एक डिस्क का एक एक रिस्पेक्टिव ट्रैक हमने पढ़ लिया। जैसे टेंथ ट्रैक यहां से पढ़ेंगे तो यहां से भी वही टेंथ ट्रैक, यहां से भी वही टेंथ, और यहां से भी वही टेंथ, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हर एक डिस्क से हमने टेंथ टेंथ ट्रैक को पढ़ लिया है, तो एक किस्म से हमने टेंथ सिलेंडर पढ़ लिया है, हम ऐसे बोलेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब वही चीज हम कह रहे हैं आपको कि के कंटिन्यूअस ब्लॉक्स ऑन सेम सिलेंडर, अगर सेम सिलेंडर पे है तो हम ऐसे बोलेंगे ना कि सेम, यू कैन से कि हमें रीडर हेड को मूव नहीं करना, दैट मीन सीक टाइम हमारे पास फालतू ही लगेगा, सीक टाइम हमारे पास वही रहेगा, मतलब हम एक बार करेक्ट ट्रैक पे आगे हमारा काम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला आपको कैसे बताएंगे, सीक टाइम विल बी एस ओनली प्लस, अच्छा उसके बाद फिर लेटेंसी टाइम और ब्लॉक ट्रांसफर टाइम तो हमारे पास बार बार लगता रहेगा, क्योंकि हमें के कंटिन्यूअस ब्लॉक ट्रांसफर रादर सॉरी एल भी वही होगा ना, लेटेंसी टाइम भी वही रहेगा, क्योंकि एक बार हम, क्योंकि कंटिन्यूअस ब्लॉक्स है ना, तो एक बार हम लोग यू कैन से ब्लॉक पे पहुंच गए, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ब्लॉक पे पहुंच गए, तो उसके आगे सारे एक ही लाइन में लगे हुए होंगे। ठीक है, तो पहले काम क्या होगा, हम करेक्ट ट्रैक पे हैं, करेक्ट ट्रैक पे आने के बाद हम लोग करेक्ट सेक्टर पे आ जाएंगे, या यू कैन से ब्लॉक पे आ जाएंगे, ब्लॉक पे आने के बाद हमारा काम खत्म है, क्योंकि उसके आगे ही सारे लगे हुए होंगे, कंटिन्यूअस है ना, लगातार है। तो बस एक बार मैं वहां पे प्लेस हो गया, उसके बाद फिर मैं सारा डेटा लगातार ट्रांसफर कर सकता हूं। तो सीक टाइम एक बार लगेगा, लेटेंसी टाइम एक बार लगेगा, बट ब्लॉक ट्रांसफर टाइम के टाइम्स लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्लॉक बी इज द ब्लॉक ट्रांसफर टाइम ना, तो जो भी ब्लॉक का साइज होगा उसको हमने ट्रांसफर टाइम से डिवाइड किया होगा, उससे हमारे पास ब्लॉक ट्रांसफर टाइम आया होगा, और हमें ऐसे के ब्लॉक ट्रांसफर करने हैं तो हम उसको ऑब्वियसली के से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई थिंक आप अपने से गेस कर पा रहे होंगे, बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक्स आर नॉन कंटिगुअस बट आर ऑन सेम सिलेंडर। तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगी, कंटिगुअस नहीं है वो, बट सिलेंडर सेम है। अगर सिलेंडर सेम है तो पक्की बात है सीक टाइम तो एक बार लगेगा, हम एक बार ट्रैक पे आ गए, हमारा काम हो गया, करेक्ट ट्रैक पे हम पोजिशन हो गए। उसके बाद अब ब्लॉक्स जो है वो नॉन कंटिगुअस है, मतलब पहला ब्लॉक हमने ट्रांसफर कर लिया, अगर करेक्ट सेक्टर पे हम आ गए तो हमने पहला ब्लॉक ट्रांसफर कर लिया, फिर हमें दोबारा से मतलब यू कैन से देखना पड़ेगा कि अगला ब्लॉक कहाँ है, फिर दोबारा देखना पड़ेगा, तो आप समझ रहे हो लेटेंसी टाइम हमें बार बार लगाना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, k मल्टीप्लाइड बाय l प्लस b, ब्लॉक ट्रांसफर टाइम तो ऑब्वियसली k टाइम्स होगा ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कह रहे हैं कि ब्लॉक्स आर नॉन कंटिगुअस एंड आर ऑन डिफरेंट सिलेंडर, तो सिलेंडर भी डिफरेंट है तो सीक टाइम भी मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा, तो हम उसको डायरेक्टली k से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, तो k मल्टीप्लाइड बाय s प्लस l प्लस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज आपको माइंड में रखने हैं, बाकी जो क्वेश्चन आएगा वो आप आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक, ओके।